बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किसान की बात अबू तुराब के साथ। नाजरीन मोहतरम, किसान आजकल जिन मसाइल से दो चार है, जिन माली मुश्किलात का शिकार है, वो आप सब लोग जानते हैं। अब चूंकि चावल की फसल की कटाई शुरू हो चुकी और इसके बाद गंदम की काश्त शुरू होने लगी है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि काश्तकार जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, उसकी जगह काश्तकार कैनोला को प्रेफर कर रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों को कायल कर पाती है या नहीं। इसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ज़राअत पंजाब के जितने भी अफसरान हैं, जिनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के भी इख्तियारात दिए गए थे और ज़िली इंतजामिया की जानिब से उन अफसरान से दूसरी ड्यूटीज हैं वो ली जाती थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन तमाम तर ड्यूटीज से डिप्टी कमिश्नर्स को, डिविजनल कमिश्नर्स को रोक दिया है और पंजाब हुकूमत ने ज़राअत अफसरान को ये हिदायत की है कि गंदम की काश्त पर जो है वो अब तमाम तर तवज्जो सर्फ की जाए। हुकूमत ने ये वाजिया किया है कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा गंदम काश्त पर ही कायल किया जाए। महकमा ज़राअत के अफसरान हैं वो गंदम की काश्त पर तवज्जो देंगे, रबी फसल की काश्त पर तवज्जो देंगे। ये सूरत हाल है, इसके लिए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है और नोटिफिकेशन में ये वाजिया किया गया है कि गंदम की काश्त पर भरपूर तवज्जो दी जाए, लेकिन काश्तकार इसके लिए क्या कहते हैं, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। मोहम्मद शुएब खान है और मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ। पिछली बार हमने गवर्नमेंट के वादे के मुताबिक गंदम लगाई थी, क्यों गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम आपको ना 3900 रुपये रेट देंगे, लेकिन एन मौके पे गंदम हमारी ख़रीदने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया और बाहर से मंगवा ली और हम वही गंदम जो है 2200-2300 रुपये मन सेल करने पे मजबूर हो गए थे। लिहाजा इस बार हमने गंदम ना उगाने का फैसला किया और उसके लिए ना कोई मुतबादल फसल लगाएंगे ताकि गंदम जहाँ से गवर्नमेंट ने पहले खरीदी थी जिन मुल्कों से, वहीं से खरीद ले और अपनी मुल्क की जरूरियात पूरा करे। साल भी गंदम काश्त की थी, इस साल भी काश्त करने जा रहे हैं। पिछले साल हमें हुकूमत ने रेट 3900 रुपया निकाला और हमें 2500 रुपया मिला है। हुकूमत से अपील है कि खादों का रेट पे कम किया जाए, हमें कुछ रिलीफ दिया जाए कि हम गंदम ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कर सकें, जिससे किसान भी खुशहाल और मुल्क भी खुशहाल और मुल्क की मईशत आगे से आगे बढ़ सके। काश्तकारों की गुफ्तगू आपने सुनी है। अब देखना ये है कि हुकूमत पंजाब की जो खसूसी मुहिम है वो किस कदर कामयाब होती है, किसान अपने फैसले पर ही डटे रहेंगे और गंदम काश्त करने की बजाय कैनोला को तरजीह देंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।